से एमटी न्यूज में मैं हूं कृष्णकांत सिंह। हरी अब देखते दिन भर की खास खबर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर कांग्रेस और भाजपा के नेता पहुंचे उनकी प्रतिमा के समक्ष, किया माल्यार्पण, रखे अपने विचार। कांग्रेस द्वारा निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा पहुंची विदिशा, बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता रहे शामिल। डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर हुआ माल्यार्पण। और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने गांधी जयंती पर किया उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण। विधानसभा चुनाव लड़ने के चलते मीडिया से की चर्चा, पहली बार लड़ रहे हैं विधानसभा चुनाव। अब खबर विस्तार से। आज महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक नीमताल पर पहुंचकर महात्मा गांधी की प्रतिमा और लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। उनके बताए मार्ग पर चलने की बात भी कही। इस मौके पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन सहित पार्टी जन उपस्थित रहे। किसान आज भारत की पवित्र धरती पर आज के दिन दो महापुरुषों ने जन्म लिया था। एक ने जहां अमन का और अहिंसा का संदेश संपूर्ण दुनिया को दिया, वहीं जय जवान जय किसान का नारा स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी ने दिया। संपूर्ण देशवासी बड़े श्रद्धा के साथ आज उनको याद करते हैं। उनके द्वारा जो देश के विकास के लिए जो उनका योगदान रहा है उसको स्मरण करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के शहर इकाइयों द्वारा आज दोनों महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। दोनों की जन्म जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाइए। और सेवा के पखवाड़ा जो माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से 17 तारीख से जो प्रारंभ हुआ था, आज महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़े का भी आज जो है विराम यहाँ पर किया गया है। मैं अनुसूचित जाति जनजाति के पदाधिकारियों ने गांधी जयंती के अवसर पर मानव सेवा न्यास भवन पहुंचकर गरीब व निशक्त जनों को भोजन प्रसादी कराई। फूल सिंह बागनी से, बालाराम जी ढोलकड़ी से, दरिया सिंह जी ठेकेदार सबके नेता और हमारे सीताराम जी बहुत खड़ी वाले दादा, जल्दी भगा यार, जल्दी आगे कर, तो देरी की व्यवस्था कर रहे हो। जल्दी बीच में लाल बहादुर शास्त्री जयंती की समस्त साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। इस अवसर पर हम लोग मानव सेवा न्यास में भोजन कराने आए निशक्त जनों को, तो सभी को शुभकामना बधाई के साथ यहाँ पर हमारे सभी अनुसूचित जाति के उपस्थित पदाधिकारी दरिया सिंह जी ठेकेदार, बालाराम जी अहरवार, फूल सिंह जी बागनी और फरवई वाले दादा, ये सब उपस्थित हैं। और पूर्व निर्धारित यह कार्यक्रम था जो सम्पन्न होने जा रहा है मानव सेवा न्यास में निशक्त जनों को भोजन कराकर। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव सहित कांग्रेसियों द्वारा गांधी जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण हुआ। वहीं कार्यक्रम के दौरान विधायक शशांक भार्गव सहित पार्टीजन उपस्थित थे। और विश्राम गृह में केंद्रीय मंत्री अरुण यादव द्वारा पत्रकार वार्ता के दौरान मीडिया से चर्चा की। विस्तार से उन्होंने अपनी बात मीडिया के सामने रखी, सुनिए आप उनका क्या कहना है। माननीय साथियों, आसमान छूती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ स्थिति से कैसे निपटें? नहीं नहीं, बड़ी बड़े हमेशा होता है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है और हम बड़े चिंतित हैं इसको लेकर कि ऑब्वियसली देखिए हर विधानसभा में बहुत सारे दावेदार होते हैं, टिकट तो एक तय होता है जी। तो ये जो हमारा संगठन है, प्रदेश का संगठन, जिले का संगठन, बहुत सारे प्रभारी लगे हुए हैं, तो सबका ही सामूहिक एजेंडा रहेगा कि असंतुष्ट कोई नहीं होता है, सबको सब लोग काम करें और
अपना क्षेत्र अपना सीट जिताएंगे, प्लान कैसी है संतुष्टि? ऐसा होता है कांग्रेस ने लिस्ट नहीं निकाली अभी तक, इसी असंतुष्टि की वजह और विरोध की वजह से कांग्रेस ने अभी तक लिस्ट जारी नहीं की। ऐसा कुछ नहीं, टिकट तक तो टिकट मांगने का हक तो सभी को है, वो सब कुछ सही है, लेकिन जैसे टिकट शुद्ध का युद्ध हो इसमें कई सरकारी अफसरों को और फूड डिपार्टमेंट के लोगों को के ऊपर कार्रवाई की गई। आपने इंदौर की माफिया की बात आपके पास सामने आई होगी, एक बहुत ही नामी ग्रामी जिसकी सोनी जी हुआ करते हैं, तो वो इंदौर में बहुत सारे अवैध काम करते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई सबसे बड़ी कार्रवाई कमलनाथ जी के रजीम में कहीं हुई है तो इंदौर में, जिनको जो पिछले 20 सालों से सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जा करके सारे अवैध धंधे वहाँ पर करते थे, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई चीतू सोनी जो आप जानते होंगे उनके खिलाफ की गई। हमारा बहुत प्रिसाइज एजेंडा है कि एक अच्छी सरकार मध्य प्रदेश को मिलना चाहिए। भाई भ्रष्टाचार के विरोध हमारी लड़ाई, मेरी लड़ाई तो जारी रहेगी, मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि सरकार में आने के बाद ये सारी चीज़ें इसको तय करके इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। अरुण यादव जी भी विधानसभा प्रत्याशी कहीं से हो सकते हैं क्या? अभी तो मैं सेवा कर रहा हूँ। जिस जगह कल शिवराज जी की सभा हुई वहाँ पर एक महिला का गैंगरेप हुआ, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं तो बार बार चिल्ला चिल्ला के बात कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश कहने को तो शांति का टापू है खाली कहने को, लेकिन जो शर्मनाक घटना महाकाल की नगरी में होती है वो सबको झकझोर देती है। कोई भी आम आदमी उसके बारे में चर्चा करता तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कल वो बच्ची थी, कल हमारी आपकी भी हो सकती थी। तो मामा केवल जवानी जमा खर्च करते हैं शिवराज जी, और मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि भाजपा की सरकार में कैसी घटनाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, उनके सर पर जूं तक रेंग रही नहीं रेंगती है। तो सबसे ज़्यादा आपने ठीक आपने आंकड़े ठीक बताए, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अशुचि बहन बेटी मध्य प्रदेश में, केवल सरकार जवान। ये मैं नहीं, एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रहा हूं, मुझे मालूम है, मुझे पता है, ये तो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, तो आप अपने मन से नहीं कह रहे। तो ये सरकार को केवल जवानी जमा खर्च करने से तो काम चलता नहीं, और उनके खुद के राज में उनके क्षेत्र में इस तरह की घटना मध्य प्रदेश में होती, तो लॉ एंड ऑर्डर तो है ही नहीं मध्य प्रदेश में, पुलिसिंग है ही नहीं। एक एक प्रश्न हमारा भी है। शनिवार को कांग्रेस पार्टी की जनाक्रोश यात्रा विदिशा पहुंची। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, विधायक शशांक भार्गव सहित कांग्रेस की नेता व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जनाक्रोश यात्रा में शामिल रहे। दोपहिया व चार पहिया वाहनों पर सवार होकर निकली रैली पीतलमिल चौराहे स्थित डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा के सामने पहुंची और माल्यार्पण भी किया गया। अनुसूचित जाति जनजाति के पदाधिकारियों ने जनाक्रोश यात्रा का स्वागत भी किया। जनाक्रोश रैली में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति बड़ी संख्या में थी। जनसेना जनता का आक्रोश हमें देखने को मिला है, जो वोट में 2023 के चुनाव में परिवर्तित होने वाला है।
दिखावटी मामा है, फर्जी मामा मैं कह सकता हूँ, इनके राज में मध्य प्रदेश बहन बेटियों के दुराचार अत्याचार में देश में अव्वल हो गया है। देश में मामा जी को इस प्रदेश में रहने का कोई हक नहीं। शिवराज जी, आपके राज में सबसे ज़्यादा जातियाँ, सबसे ज़्यादा दुर्व्यवहार हमारी बहन बेटियों के साथ, ये दलित आदिवासी, आपने देखा किस तरह से अपने कौन सा सीधी जिले में एक नौजवान आदिवासी के ऊपर पेशाब की जाती है, किस तरह से शहडोल जिले में एक 70 वर्षीय आदिवासी बुजुर्ग के साथ जूते तप्पलों से भारतीय जनता पार्टी के विधायक के प्रतिनिधि मारपीट करते, किस तरह से मध्य प्रदेश के हमारे दलित आदिवासी बहन बेटियों की आबरू सरेआम आए दिन लूटी जाती है। ये मध्य प्रदेश हमने की सरकार पिछले 18 सालों में, ये मध्य प्रदेश सरकार का योगदान इस प्रदेश की जनता के लिए। तो शिवराज जी, उनकी सरकार को कोई हक नहीं है इस प्रदेश में रहने का। जनता पार्टी की दाल पतली है मध्य प्रदेश में, इसीलिए दिल्ली से सांसद लोगों को विधानसभा चुनाव लड़ाने। अब आपने देखा होगा कि हमारे कैलाश विजय क्या कह रहे थे, आपने उनका स्टेटमेंट, उनको तो कोई रुचि नहीं चुनाव लड़ने में, जबरदस्ती लड़ाया जा रहा है। और प्रहलाद पटेल जी चाहे हों, चाहे हमारे होशंगाबाद के सांसद हों, दे राव उदय प्रताप सिंह, ऐसे सभी को जिनकी कोई रुचि नहीं है उनको जबरदस्ती लड़ाया जा रहा है। तो स्पष्ट होता है कि सेपियंट प्यूपल हाई स्कूल में गांधी जयंती धूमधाम से मनाई गई। गांधी जयंती के अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के रूप में बच्चों को सजाया गया, जो कि आकर्षक लग रही थी। महात्मा गांधी की जयंती स्कूल प्रबंधन द्वारा बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। ईश्वर लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, बहुत बढ़िया। माता की जय। भैया एक मिनट, भैया एक मिनट पीछे, नमस्कार। मैं कमलेश विश्वकर्मा, संचालक सेपियंट पीपल स्कूल। आज सेपियंट पीपल स्कूल में मैं गांधी बन जाऊं प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि हम महापुरुषों के लिए, यानी गांधी जी के प्रति या अन्य महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना है। ये बच्चों के अंदर भावना रहे कि महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता रहे उनके लिए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल गांधी जयंती के अवसर पर नीमताल स्थित गांधी चौक की प्रतिमा के सामने पहुंचे, जहां उन्होंने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके जीवन पर प्रकाश डाला, और विधानसभा चुनाव में टिकट मिलने पर मीडिया के सवालों के जवाब भी दिए। नीचे खड़े हो, लेकर सात सांसद और मंत्रियों को उतारा, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? आज भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न नहीं, आज तो महात्मा गांधी की जयंती है। मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ। जब बापू की 150वीं जयंती आने वाली थी, तब उन्होंने ये लक्ष्य रखा था कि बापू को स्वच्छता पसंद है, और हमने दुनिया के अनुमान के 11 साल पहले खुले से शौच से मुक्ति प्राप्त करके दुनिया को बता दिया कि भारत में वो सामर्थ्य है। फिर से उन्होंने अपनी धारणा बदली, और उस वर्ष के बाद 2019 के बाद लगातार हर वर्ष प्रधानमंत्री कोई नया टास्क देते हैं। कल 1 घंटे सबने स्वच्छता की है, आज बापू की जयंती है, उनके चरणों में मैं नमन करता हूँ। और आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता या पदाधिकारी, उससे ये अपेक्षा की जाती है, मैं तो देशवासियों से कहूँगा कि हमको आज के दिन ज़रूर खादी खरीद कर आत्मनिर्भरता का
सम्मान करना चाहिए, उसे संबल देना चाहिए। अब जो बात आपने पूछी है, भारतीय जनता पार्टी को इस राज्य में लगातार 18 वर्ष शासन करते हो गए और ऐसी स्थिति में पार्टी सदैव ये फैसला करती है कि हमें किसे लोकसभा में रखना है, किसे विधानसभा में रखना है। मैं खुद पहली बार जीवन में, इतने लंबे राजनीतिक जीवन में, विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। मुझे लगता है कि अनुभवी लोगों को राज्य की राजनीति में लाना ये पार्टी का स्वागत योग्य कदम है और मैंने उसका स्वागत किया भी है। सत्ता में वापसी आने के लिए भाजपा ने अपने दिग्गज नेताओं को उतार दिया और आपके ही दिग्गज नेता कहते हैं मुझे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना था, मेरा मन नहीं था। मुझे लगता है कि इस पर कोई टिप्पणी नहीं करता कि उनने क्या बोला, क्योंकि भाषण का पूरा अंश देखेंगे तो उसमें कोई सामान्य तौर पर चीज़ें कही जाती हैं। लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि अच्छा है कि कांग्रेस के लोग हम लोगों को दिग्गज नेता मान रहे हैं, पर हम अपने आप को कार्यकर्ता मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी में जब जिसको जो काम कहा जाता है वो करता है। लोकसभा विधानसभा कितना फर्क है? आपने लोकसभा हमेशा लड़ी, अब विधानसभा लड़ा। अब विधानसभा में लड़ रहा हूँ मैं तो कोई फर्क नहीं देता, पर अनुभव आएगा जब मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो। मुझे तो लगता है कि चूंकि मैं जहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ उस जिले में मैं 32 साल बाद अपने गृह जिले में चुनाव लड़ूंगा और मेरे अनुज वहाँ से अभी विधायक हैं, तो जो इसने मुझे अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में नरसिंहपुर की धरती से मिलता रहा है और जिसकी सामर्थ्य के कारण मैं देश और प्रदेश में और शायद अन्य कुछ देशों में भी जाकर मैं होकर आया हूँ, वो ऊर्जा का केंद्र नरसिंहपुर ही है। बहुत सुंदर जगह है, आदर्श जगह है। कई चेहरे दादा, कई चेहरे ऐसे हैं जो सीएम के कैंडिडेट हो सकते हैं, क्या आप अपने आप को दावेदारी करते हैं? सेंट मेरी स्कूल में कक्षा नर्सरी KG1 KG2 की कक्षाओं के लिए नए भवन का शुभारंभ हो गया है। आधुनिक कक्षाएं तैयार की गई हैं। नए भवन की कक्षाओं के शुभारंभ मौके पर स्कूल प्रबंधन उपस्थित रहा। स्कूल संचालक फादर फ्रिजो ने दी जानकारी। Director of St. Mary's PG College and you all the fathers. हमारे विद्यार्थियों को मिलने वाला है आज के इस अवसर पर, मैं आप सबको शुभकामनाएं बधाई देता हूं। वास्तव में शिक्षा एक ऐसा दान है या शिक्षा एक ऐसा मिशन है जिससे एक पीढ़ी नहीं। आज हम बहुत खुश हैं सेंट मेरीज परिवार, क्योंकि सिल्वर जुबली के तहत जो स्कूल शुरू होकर 25 साल गिरा है उसमें हमने ये सोचा है कि विदिशा को हम क्या दे सकता है और शिक्षा के प्रति हम क्या रख सकता है, तो हमने ये सोचा एक भव्य भवन का निर्माण करें ताकि बच्चे पढ़ने में, बच्चे को अपने आप एक माहौल लगे कि शिक्षा ही सर्वश्रेष्ठ है। हम होटल जाते हैं, बंगला जाते हैं, घर अच्छा बनाते हैं, लेकिन स्कूल क्यों अच्छा नहीं बना पाते? बच्चों को ये लगना चाहिए सबसे सर्वश्रेष्ठ जो संस्था है वो विद्यालय है, स्कूल है, शिक्षा के मंदिर है। उस शिक्षा के मंदिर को ऐसे बनाया जाए तो इसमें आने वाले लोगों को भी ये लगे कि जो सागर धर्म प्रांत के बिशप मार जेम्स अथिकलम और जो विदिशा नगर के टंडन जी और जो नगरपालिका अध्यक्ष और उनके परिवार से अभिनव मुगेश साहब जी, राकेश शर्मा जी और जो MLA के प्रतिनिधि के रूप में पूनम भार्गव जी, फिर नगर जो हमारे वार्ड के पार्षद और डोंगर साहब जी और जो विदिशा में जो समाज सेवी है उनमें से बहुत सारे लोग और प्रेरणा मंच के प्रतिनिधि लोग, पेंशनर एसोसिएशन के सदस्यों ने बिजली विभाग के पेंशनर एसोसिएशन के साथ गांधी चौक नीमताल पर एक दिवसीय मौन व्रत रखा। महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण करने के पश्चात उन्होंने मौन व्रत धारण किया। पदाधिकारियों ने बताया कि लंबे समय से सरकार के सामने वे अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार द्वारा उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया। क्या नाम है आपको? मैं SC जैन।
पेंशनर एसोसिएशन मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पेंशनर एसोसिएशन का उपाध्यक्ष हूँ मैं। हम लोगों की कुछ लंबित मांगे हैं, जैसे डीए का मामला है, पेंशन की गारंटी का मामला है, डीए का वेज रिवीजन के दो वेज रिवीजन के एरियस का मामला है। ये काफ़ी समय से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। 2 अक्टूबर किस तरीके की प्रदर्शन किया यहाँ पे? हमने 2 अक्टूबर को ये छोटी सी रैली निकाल कर और 1 घंटे का मौन प्रदर्शन किया है हमने। संघर्ष समिति के आह्वान पर ये मौन व्रत हमारी जायज़ मांगों के लिए लिया गया है और इसमें मेन हमारी गमान है कि हमारी पेंशन गारंटी नहीं है। विद्युत मंडल पेंशनर्स की पेंशन्स गारंटी सरकार दे। दूसरा जो है, जब जब सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ता है, हमारा बढ़ाया जाता था, अभी 1 माह हो गया लंबित हुए, अभी तक 4% नहीं बढ़ा महंगाई राहत। आज आपने क्या कहा? ये मौन व्रत रखा है, 1 घंटे का मौन व्रत इसीलिए रखा। प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी द्वारा निकाली जा रही जनाक्रोश यात्रा विदिशा पहुंची थी। कांग्रेस नेता आनंद प्रताप सिंह द्वारा बड़ा बाजार क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने आम सभा को संबोधित किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता शामिल रहे, वहीं उनका जोरदार स्वागत भी हुआ। विधायक शशांक भार्गव सहित पार्टीजन उपस्थित रहे और उन्होंने मीडिया से चर्चा भी की। विधानसभाओं में जन सैलाब, जनता का आक्रोश हमें देखने को मिला है, जो वोट में 2023 के चुनाव में परिवर्तित हो गया। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन शराब दुकानें बंद रहती हैं। वहीं चकपाटनी चाटोली निवासी नीरज राय, उम्र 38 वर्ष, मोटरसाइकिल पर 2 बैग में 300 देसी मदरा प्लेन पाव बेचने के लिए निकला था, जिसकी कीमत लगभग 20,000 रुपये बताई गई है। मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग द्वारा मोटरसाइकिल के साथ शराब जब्त कर कार्रवाई की गई। आबकारी विभाग के जिम्मेदार ने दी जानकारी। सर, एक आरोपी ने पकड़ाया अवैध शराब के साथ, सर कितनी शराब पकड़ाई, कहाँ से पकड़ी, क्या नाम है? आज 2 अक्टूबर है, ड्राई डे है, तो आज शहर गश्त कर रहे थे। इस दौरान हमें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल के अवैध मदिरा का परिवहन कर रहा है, अगर आप पकड़े हैं तत्काल ये पकड़ में आ जाएगा। इस सूचना के आधार पर हमने चकपाटनी के आगे चाटोली की रोड पे हमने नाका लगाया पेट्रोल पंप के पूर्व, और उस नाके में कुछ देर के बाद हमारे लिए एक संदिग्ध वाहन आता देखा। इस वाहन को विधिवत रूप से रोका गया, उसकी तलाश ली और उससे नाम पता पूछा, तो इसने अपना नाम नीरज रहा है, बल्द प्रभुलाल रहा है, उम्र 38 साल, निवासी चाटोली यह होना बताया। यह हाल मुकाम इसका ट्रिनिटी कॉन्वेंट स्कूल के पास पीतल मिल चौराहा विदिशा, ये उसका हाल मुकाम है, यहाँ का रहने वाला है, उसने बताया है। ये आरोपी के पास से हमने 2 थैले बरामद किए, दोनों थैलों में 150-150 पाव देसी मदरा प्लेन थी, यानी कुल 300 पाव, 54 बल्क लीटर ये मात्रा होती है, तो इसके तहत हमने उसको गिरफ्तार किया। मदरा की कीमत लगभग 20,000 आंकित की है। धारा 34(1) का और 34(2) के तहत इसमें कार्रवाई हम कर रहे हैं और प्रकरण को विवेचना में लिया है, बाकी कार्रवाई आगे की जाए। आज की खबरों को देते ही प्रोग्राम आप देखते रहिएगा विदी संयम। शहर की ताज़ा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब पर एनजी न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब करें और जाने शहर की ताज़ा तरीन खबरें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर सकती।